हेलो फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे केटीसी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस से कि ये JEE नीट के अकॉर्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग JEE मेंस में। तो JEE मेंस में भी अगर 2020 में देखा जाए तो जनवरी के अंदर टोटल 6 शिफ्ट हुई थी, और इन 6 शिफ्ट के अंदर टोटल 13 बार इस सेक्शन से क्वेश्चन आए। अगर 2019 में भी बात करें तो 2019 में भी टोटल 16 शिफ्ट के अंदर 30 बार इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए। यानी अप्रोक्सीमेट अगर आप एवरेज निकालें तो इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसका मतलब अगर टोटल पेपर का देखा जाए तो फिजिक्स के सेक्शन का 8% जो है वो इस सेक्शन पूछा जाता है। यानी इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन। और इसके लिए अगर बात की जाए नीट के लिए भी, तो नीट में भी 2019 में इस सेक्शन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर इस चैप्टर को डू एंड डाई कैटेगरी में रखा गया है तो यही रीज़न है, क्योंकि इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और ये सेक्शन इम्पोर्टेंट भी है। आगे इसमें बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के लिए। तो KTG का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो KTG एक्चुअल में है क्या? तो KTG फिजिक्स का वो सेक्शन है जिसमें हम आइडियल गैस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इस सेक्शन के अंदर हम गैसेस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, उनको उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यानी स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एक्सेट्रा से कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर की बात करें तो प्रेशर एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। मतलब कि किसी बॉक्स के अंदर जो गैसेस है उसका जो टोटल प्रेशर है वो हम डायरेक्ट मेजर करते हैं, तो उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं स्टडी करते, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब अगर प्रेशर की बात की जाए तो आता कैसे है? तो जब मॉलिक्यूल जो है वो वॉल से टकराता है और वापस जाता है तो उसकी मोमेंटम में चेंज आता है। तो ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम सॉरी मोमेंटम अपॉन टाइम जो होता है वो फोर्स होता है, यानी दैट इज़ द फोर्स अप्लाई बाय मॉलिक्यूलर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। फोर्स अपॉन एरिया जो है वो प्रेशर डिफाइन होता है, और यही प्रेशर जो है वो हम मेजर करते हैं। तो जो प्रेशर है वो एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हुई, और जो स्पीड और मोमेंटम चेंज है ये उसका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हुआ जिसको हम KTG में स्टडी करेंगे। इसके अलावा कुछ नोट हम देखते हैं कि अगर जैसे बात की जाए KTG के लिए, तो KTG जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, मतलब इसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी नहीं करते, तो इसलिए थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी स्टडी होती है। अगर हाई टेम्परेचर की बात की जाए तो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और लो डेंसिटी पे एक रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट सेक्शन में अब हम थोड़ा KTG से रिलेटेड अजम्पशंस देख लेते हैं। एक बार हम गो थ्रू हो जाते हैं कि क्या रीज़न है कि वो जो अजम्पशन है हमने लिए हैं और क्या है वो अजम्पशंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से कि कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स और बिटवीन मॉलिक्यूल इन कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि इलास्टिक कोलिजन मानने का रीज़न क्या? तो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होते हैं जिनमें टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। अगर आपके पास कोलिजन जो है वो इन इलास्टिक हुए, मतलब ई की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हुई, तो उस कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। तो वो अप्लाई करने के लिए हमें जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक अज्यूम करने पड़ता है। सेकेंड हम बात करते हैं मास और मोलिकुलर इज नेग्लिजिबल। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसका इफेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड, वॉल्यूम जो है वो मॉलिक्यूल का वो हम कंटेनर के अकॉर्डिंग नेग्लिजिबल मानते हैं। ऐसा क्यों? कि हम जो कैलकुलेशन में वॉल्यूम लेते हैं वो होता है इफेक्टिव वॉल्यूम। अगर गैस का वॉल्यूम भी कंसिडर करेंगे तो इफेक्टिव वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के वॉल्यूम से कम आएगा, यानी हमें कंटेनर के वॉल्यूम में से मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। पर अगर हम नेग्लिजिबल मानते हैं तो उस कंडीशन में हम सीधे कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसके अंदर जो KTG है उसके अंदर हम NLM के जो लॉज हैं
यानी एक्शन रिएक्शन है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स एक्सेट्रा, और कॉलिजन के जो भी लॉ है वो हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। अब ये क्यों? देखो, हमें पता है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आती है इंट्रैक्शन फोर्स की वजह से। अगर हम इंट्रैक्शन फोर्स को नेग्लिजिबल मान लेंगे, इसका मतलब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम जीरो बोल सकते हैं, और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई तो उस कंडीशन पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो एक आइडियल गैस के लिए जो टोटल एनर्जी होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। और लास्ट पॉइंट कि आपके पास जो ये मोशन होता है वो रेंडम होता है, यानी आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, वो ज़ीरो होती है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि आपके पास जो मीन फ्री पाथ है और रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होता है।